जैसी करनी वैसी भरनी, ये वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? अब आप में से अधिकतर लोगों के मन में प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि इसमें पूछने वाली बात क्या है? ये तो सत्य ही है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप से ये प्रश्न कीजिए और देखिए कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से मिल पा रहा है या नहीं। कहीं ना कहीं आपके भी मन में एक संशय जरूर होगा कि ये बात सच है या झूठ, क्योंकि आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, वे कभी किसी का बुरा भी नहीं करते, किंतु फिर भी उनके साथ हमें हमेशा बुरा होते ही दिखता है। वो लोग हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। आपने कई बार ये भी देखा होगा, या फिर आप में से ही कई लोग भी ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी परीक्षाओं के लिए जी तोड़ मेहनत की होगी, लेकिन फिर भी अंत में उनके हाथों में निराशा ही लगी होगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या इसका अर्थ ये है कि जिन भी महापुरुषों ने इस कहावत को कहा है, क्या वो सब झूठ है? क्या वो सारे महापुरुष गलत थे? और वास्तविकता ये है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा समझ ही नहीं पाते, और इसी कारण हम ये सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम लोगों की भलाई कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, फिर भी हमें न जाने क्यों हमेशा दुख और परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन आज की जो कहानी है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और इस कहानी के माध्यम से आप ये समझ जाएंगे कि कर्मों का ये लेखा जोखा हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों ही कुशल थे, किंतु उनमें से एक बहुत ही क्रूर चालाक था। उसे धोखा देकर अपने छोटे भाई की भी सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली थी, और छोटे भाई के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। उसे तो बस एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली थी जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी भी हमेशा बीमार रहती थी और उसे तरह तरह की यातनाएं, पीड़ाएं और समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और छोटा भाई बहुत गरीब था, उसके पास पैसे भी नहीं थे ताकि वो अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। लेकिन वो बहुत शांत स्वभाव का था, अच्छी प्रवृत्ति का था, इस कारण वो कभी किसी से क्लेश ही नहीं करता था, ना ही किसी के लिए बुरा सोचता था, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता था। फिर भी उसके मन में प्रश्न रहता कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? वो हमेशा अपने आप से कहता कि हे ईश्वर, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी आखिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, मेरे बच्चों को दो वक्त का खाना तक नहीं नसीब होता, और मैं चाहकर भी अपने परिवार को एक अच्छा जीवन तक नहीं दे पा रहा, आखिर ऐसा क्यों? वहीं पर दूसरी तरफ मेरा भाई है जो बहुत धूर्त है, चालाक है, घमंडी है। उसे तो देखो, वो अपना जीवन कितने ऐशो आराम के साथ जी रहा है। उसके पास तो ढेर सारा धन है, रहने के लिए अच्छा मकान, खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान है, वो तो अपना जीवन बड़े मजे से जी रहा है, और मैं यहाँ घुट घुट का मर रहा हूँ। उसे कोई परेशानी नहीं है और मेरी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये सोचता हुआ वह इस विचार के साथ पहुंचा कि लगता है बुरे कर्मों का फल ही अच्छा होता है, और अच्छे कर्मों का फल कभी अच्छा नहीं मिलता। देखते ही देखते धीरे धीरे परिस्थितियों के कारण उसके मन में घृणा और मन में ये बात घर करने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए, और अब छोटा भाई और भी ज्यादा मानसिक रूप से परेशान रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और उसके सामने तरह तरह की परेशानियां खड़ी थी, जिसे देखकर वो मन ही मन रोता रहता, परेशान होता। एक दिन की बात है कि वो किसी काम से दूसरे गांव की ओर जा रहा था, और तभी उसकी नजर एक साधु पे पड़ी। वो साधु एक द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांग रहे थे, और वो हमेशा केवल एक ही बात कह रहे थे, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। जब छोटे भाई के कानों में यह बात पड़ी तो उसे बहुत क्रोध आया। वो तुरंत ही उस साधु के पास जा पहुंचा और उसे कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं आपको कब से देख रहा हूँ, आप केवल एक ही बात कह रहे हैं कि तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से, क्या ये सत्य है? इस बात का जवाब देते हुए साधु कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल सत्य है, क्या तुम्हें इस पे यकीन नहीं है? तभी वो छोटा भाई उस गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, लगता है आपको कोई भ्रम हो गया है।
मैंने अपने जीवन में कभी कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, मैंने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा तक नहीं, किसी का बुरा कभी नहीं किया, उसके बाद भी मैं हमेशा परेशानियों में घिरा रहता हूँ। तकलीफें दिन प्रतिदिन मुझे और परेशान कर रही हैं। मुझे तो आज तक मेरे अच्छे कर्मों का कोई अच्छा फल मिला ही नहीं। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, मेरे घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं है, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी भूखे रह जाते हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि अच्छे कर्मों के फल अच्छे मिलते हैं। तभी वो साधु बड़े ही शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से कहते हैं, लगता है परिस्थितियों ने तुम पे बहुत गहरा प्रभाव डाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम परिस्थितियों के आगे हार मान चुके हो, और इन कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच को भी बदल दिया है, और इसी कारण तुम ऐसा कह रहे हो। इस पर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, ऐसा लगता है कि मैं खुद ही परिस्थितियों से हार कर बहुत ज्यादा दुखी हो गया हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं भी दूसरों के घर भिक्षा मांग कर ही भोजन ग्रहण करना शुरू कर दूं। मैंने परिस्थितियों के सामने हार मान ली है, लेकिन मुझे अब आपकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही है। तब उसे रोकते हुए साधु उस व्यक्ति से कहता है, ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दो। तो व्यक्ति कहता है, अरे मैं कोई काम नहीं करने वाला, मैं तो जा रहा हूँ। तभी वो साधु कहते हैं, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है, तुम इस बात से परेशान हो ना कि तुमने अच्छे कर्म किए हैं और उसके बाद भी तुम्हें अच्छे फल नहीं प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन क्या तुम इस प्रश्न का जवाब नहीं जानना चाहते हो? क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये सुनकर वो छोटा भाई कुछ देर के लिए मौन हो गया। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वो कहता है, ठीक है बताइए मुझे क्या करना होगा। तब वो साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, मेरा बस एक छोटा सा काम कर दो, कल सुबह सुबह तुम मेरे लिए कुछ फल लेकर आना, मेरे आश्रम आना, और जब तुम वहाँ पे आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जरूर दे दूंगा, और तुम्हें ये बात समझ में भी आ जाएगी कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और इतना कहकर वो साधु अपना भिक्षा पात्र लेकर वहाँ से अपने आश्रम की ओर चलने लगे। लेकिन वो व्यक्ति कुछ देर के लिए वहीं खड़ा रहा, सोचने लगा कि क्या फल लेकर गुरु के आश्रम जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसके पास तो खुद ही बहुत कम पैसे हैं। अब सोचता सोचता वो घर लौट आया। अब रात भर उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था, मैं फल लेकर जाऊं या ना जाऊं। देखते ही देखते सुबह होने लगी। अब उस छोटे भाई ने तय कर ही लिया कि फल लेकर उस गुरु के आश्रम जरूर जाएगा। घर से निकलता है, कुछ फल खरीदता है और उसे लेकर गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता है। उस गुरु का आश्रम थोड़ी दूर पे था और उसका रास्ता पड़ोस के जंगल से होकर गुजरता था, इसलिए उस रास्ते पे कोई हलचल भी नहीं थी और जगह जगह पे लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। जब वो छोटा भाई फल लेकर उस गुरु के आश्रम जा रहा था, तभी उन बंदरों को देख के उसके मन में विचार उठता है, क्यों ना ये फल उन बंदरों को खिला दो। लेकिन तभी उसे याद आता है उस गुरु ने उसे फल आश्रम में लाने को कहा था, इसलिए जैसे तैसे अपने मन को मना कर गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता है। और देखते ही देखते कुछ देर में वो उस गुरु के आश्रम पहुंच जाता है। वहां उन्हें प्रणाम करके उनसे कहता है कि देखिए मैं आ गया, जैसे कि आपने कहा था कुछ फल लाने के लिए, मैं कुछ फल भी लेकर आया हूँ, अब तो मुझे बता दीजिए कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तब वो साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तब वो व्यक्ति कहता है, कौन सा प्रश्न? तभी साधु कहते हैं, जब तुम मेरे आश्रम की ओर आ रहे थे तब तुम्हारे मन में ये विचार उठा कि तुम ये फल उन बंदरों को खिला दो, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? ये सुनकर व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जो विचार उसके मन में उठा था वो साधु को कैसे पता चल गया। अब वो व्यक्ति उस गुरु के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि गुरुदेव, ये सारी बातें तो मेरे मन में थी, किंतु आपको कैसा पता चली? मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था। तभी वो साधु मुस्कुराते उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा जरूरी ये नहीं है कि मुझे ये बात कैसे पता चली, जरूरी तो ये है कि तुमने उन बंदरों को फल क्यों नहीं खिलाया। वो व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसने हड़बड़ाते हुए साधु को जवाब दिया, क्योंकि आपने मुझे फल लाने के लिए कहा था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैं सिर्फ फल आपके लिए लाया। तब वो साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा जिस तरह से एक बछड़ा हजार गायों में से अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा कर्म भी तुमको ढूंढ निकालता है। जैसे ही ये कर्म मेरे हाथों से लिखा था, मैं ही इन बंदरों को ये फल खिलाऊंगा, इसलिए तुम ये फल उन बंदरों को नहीं खिला सके। तुम्हारे मन में इच्छा होते हुए भी तुम ये काम नहीं कर पाए, ये फल तुम मेरे पास लेकर आए। और इतना कहकर उस साधु ने वो फल
उन बंदरों को ही खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन वो व्यक्ति अब तक साधु की बात का मतलब नहीं समझ पाया था। तब वो साधु से कहता है कि गुरुदेव आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे तो आपकी बात कुछ समझ ही नहीं आ रही, कृपया करके मुझे साफ और स्पष्ट तौर पे समझाएं। और तभी वो साधु मुस्कुराने लगा और उस व्यक्ति से कहते हैं कि हम मनुष्यों को हमेशा से यही लगता है कि हम ही करते हैं और हम ही कर्म करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कर्म हमारा चुनाव खुद करता है, हम कर्म का चुनाव नहीं करते। यदि आप किसी काम को करने के योग्य है ना, तो कर्म आपको लाखों लोगों की भीड़ में से भी ढूंढकर निकाल ही लेगा। इसलिए जरूरी नहीं है कर्म करने, बल्कि योग्य बनना ज्यादा जरूरी है। ध्यान दो, यदि तुम्हारा पूरा ध्यान केवल कर्म करने पे होगा तो तुम कभी भी योग्य ही नहीं बन पाओगे और कभी भी कर्म तुम्हारा चुनाव ही नहीं करेगा। इस पर वो व्यक्ति कहता है, गुरुवर योग्य बनने से आपका क्या मतलब है, आपका कहना क्या है, क्या मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता? तभी वो साधु उस व्यक्ति से कहते हैं कि नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है, मैं तो तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है उसके लिए तुम्हें पहले छोटे छोटे कामों को पूरा करना शुरू करना होगा, और जब तुम उन कामों में निपुण हो जाओगे, कुशल हो जाओगे, इतने योग्य बन जाओगे, तो बड़ा कर्मिया फिर यूं कहें कि ये प्रमुख कर्म जिस कर्म के लिए तुम बने हो वो कर्म तुम्हें ढूंढ ही लेगा, वो कर्म तुम्हारे पास खुद ही चला आएगा। उदाहरण के तौर पे तुम इन बंदरों को ही देख सकते हो। जब बंदर छोटे होते हैं तब से ही ये पेड़ों पे चढ़ना सीख जाते हैं, गुलाटियां लगाना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, छलांग लगाते हैं। शुरू शुरू में इनमें तकलीफ होती है, फिर गिरते जाते हैं, कभी इन्हें चोट भी लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये उन कामों में निपुण हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं और उसके बाद इनका भोजन इन तक स्वयं ही पहुंच जाता है। इसलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी छोटे छोटे कर्म करते रहो तो बड़ा कर्म खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। आगे वो साधु उस व्यक्ति से कहते हैं कि यदि तुम योग्य बनने के लिए कर्म करोगे तो वो दिन दूर नहीं कि तुम लोगों के ऊपर भी हावी हो पाओगे और दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होंगे। अगर तुम योग्य नहीं बनोगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम पर हावी होंगे और वो तुम्हारे जीवन को भी प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम अपनी पत्नी को ही ले लो। तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है, उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है और तुम ये सोचते हो पता नहीं किन कर्मों की सजा मिल रही है। तुम अपने आप को ही अभागा समझते हो, असहाय महसूस करते हो, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। तुम्हें यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों से है, ना कि तुम्हारे कर्मों से। तुम्हारी पत्नी ने अतीत में ऐसा कोई कर्म किया है जिसकी सजा वो आज भुगत रही है और तुम्हारी पत्नी के कर्मों के कारण तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है, तकलीफें उठानी पड़ रही हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और यही कारण है कि अधिकांशतर लोग अपने परिवार के कारण, अपने बच्चों के कारण तरह तरह के दुख झेलते रहते हैं और तरह तरह की परेशानियों का सामना करते रहते हैं। लेकिन यहाँ तुम्हें ये भी समझने की जरूरत है कि यदि तुम इस योग्य होते और तुम्हारे पास इतने पैसे होते तो तुम अपनी पत्नी का इलाज करवा पाते। हो सकता है कि यदि तुम इतने ही योग्य होते तो तुम्हारा विवाह किसी दूसरी स्त्री के साथ हुआ होता जो स्वस्थ होती, लेकिन तुमने अपने आप को इतना योग्य ही नहीं बनाया था और यही कारण है कि तुम अपनी पत्नी के कारण आज दुखों में डूबे हुए हो। लेकिन अब कुछ नहीं बिगड़ा, या तुम अभी भी योग्य बन जाओ, दूसरों के कर्म तुम्हें कभी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आगे वो सन्यासी उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम्हें वो मिलता है तुम जिसके योग्य होते। इसलिए कर्म करने से ज्यादा योग्य बनने पे ध्यान दो, अपनी योग्यता बढ़ाओ। केवल कर्म का फल पाने के लिए कर्म मत करो और फिर तुम कभी भी इन परेशानियों से निकल नहीं पाओगे। तभी वह व्यक्ति उस साधु के सामने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहता है कि गुरुदेव आप हमेशा योग्य बनने की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि अपनी योग्यता को कोई मनुष्य कैसे बढ़ा सकता है। मेरे मुख्य कर्म मुझे ढूंढ लें। तभी वो साधु उस व्यक्ति से कहते हैं कि ये बड़ा सरल है, फिर भी लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। सबसे पहला उपाय ये है कि जो भी कर्म तुम कर रहे हो उस कर्म को कर भूल जाओ, अर्थात योग्य बनने के लिए जो भी कर्म तुम कर रहे हो उसे याद ना रखो, उसे भूल जाओ। ये मत सोचो कि तुमने जो कर्म किया उसका फल तुम्हें कब और कैसे मिलेगा।
इसलिए तो कहा जाता है कर्म करो फल की चिंता मत करो। यदि तुम्हारा मन हमेशा फल की चिंता में लगा रहेगा तो उसका अर्थ ये हुआ कि तुमने वास्तविक तौर पे कोई कर्म किया ही नहीं। हम में से अधिकांशतर लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि एक अच्छा कर्म किया है तो फल भी तुरंत ही मिल जाए और उन्हें हमेशा अच्छा ही फल मिले, क्योंकि उनका सारा ध्यान न कर्म के बजाय फल पर हो जाता है। और यही कारण है कि वो अधिकांशतः दुखी होते हैं, क्योंकि जब उन्हें फल नहीं मिल पाता, फिर यूं कहें जब उन्हें अपने मनवांछित फल नहीं मिल पाता तो उनके मन को ठेस पहुंचती है और वो लोग दुखी रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि मैंने तो अच्छे कर्म किए थे फिर भी मुझे अच्छे फल क्यों नहीं मिल रहे। और उनका यही सोचना उन्हें अपने लक्ष्य से भटका देता है। गुरु आगे कहते हैं कि आप ये जरूर कर सकते हैं कि अपना कर्म करने के बाद उसका आकलन जरूर करें, लेकिन यदि आप सिर्फ फल की चिंता करेंगे तब वो आप कभी भी योग्य नहीं बन पाएंगे। तब वो व्यक्ति साधु से कहता है कि गुरुदेव आप कह रहे हैं कि फल की चिंता मत कर, लेकिन जो कर्म किए हैं उसका आकलन जरूर करो। अब ये कैसे संभव है? तब साधु बड़े शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से कहते हैं, अरे इंसान, जब तुम कोई कर्म करते हो तो तुम्हारे मन में हमेशा फल की चिंता होती है, जबकि तुम्हारे मन में फल की चिंता ना होकर बस ये चिंता होनी चाहिए कि जो भी कर्म मैंने किए हैं क्या उस कर्म में मैंने अपना 100% दिया है या नहीं, और जब मैं वो काम कर रहा था तो मेरा ध्यान पूरी तरह से उस काम पर था या नहीं, मेरा ध्यान भटक तो नहीं रहा था। और यदि तुम इन चीजों पर विचार करोगे या प्रश्न खुद से करोगे तभी वास्तविक तौर पर तुम खुद का आकलन कर पाओगे, और जब तुम पूरे ध्यान के साथ किसी कर्म को करोगे तो तुम्हारे ध्यान की शक्ति भी बढ़ेगी और तुम्हारे कर्म करने की योग्यता भी बढ़ेगी। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि तुम्हें तो केवल कर्म करना है, केवल यही सोचकर तुम कर्म करते चले जाओगे तो तुम्हें कर्म का फल कभी प्राप्त नहीं होगा, ना ही तुम कभी योग्य बन पाओगे। इसलिए कर्म करने के बाद आकलन जरूर करो। ये देखो कि जब तुम वो काम कर रहे थे तो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन पूरी तरह से उस कर्म पर था भी या नहीं। तब वो व्यक्ति एक बार फिर से उस साधु से प्रश्न करता है और कहता है, गुरुदेव आप सही कहते हैं, जब भी हम कोई कर्म कर रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस कर्म को होना चाहिए, लेकिन मैं जब भी कोई कर्म करता हूँ तो मेरे मन में हमेशा तरह तरह के विचार चल रहे होते हैं, मेरा मन विचारों से ग्रसित होता है और तरह तरह की बातें सोचने लगता है, तो ऐसे में मैं अपने मन को किस तरह से केवल एक ही कर्म पे टिका सकता हूँ, क्या इसका कोई उपाय है? तब वो साधु मुस्कुराते उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते जब तुम कोई कर्म कर रहे हो तो उसमें जब तुम अपना पूरा भाव लगा देते हो, अर्थात कर्म करते समय अपना पूरा भाव डाल देते हो, तो तुम्हारा मन, शरीर और तुम्हारे भाव उसी कर्म पर केंद्रित हो जाते हैं और तुम पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भावना के साथ उस कर्म को कर पाते हो, अर्थात अपना 100% दे पाते हो। और वहीं पर जब तुम केवल कर्म करने की सोच में ही कर्म करते हो तो तुम उसमें अपना भाव नहीं लगा पाते हो और ना ही तुम में अपनी पूरी निष्ठा लगा पाते हो, और इसी कारण वो कर्म कर्म नहीं रह जाता और ना ही उसका कोई फल तुम्हें प्राप्त होता है। आगे वो साधु उस व्यक्ति से कहते हैं कि यदि कोई भी मनुष्य इन बातों को सही तरीके से अपने जीवन में उतार ले, इन बातों को ध्यान करके कर्म करे, तो वो अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार जब तुम योग्य बन जाते हो तो तुम्हारा कर्म तुम्हें खुद ब खुद ढूंढ कर निकाल लेता है, वो जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता करता है। और इतना कहकर वो साधु शांत हो गया। अब छोटा भाई समझ चुका था कि उसके अच्छे कर्मों का फल उसे अच्छा क्यों नहीं मिल रहा। उसने गुरु को प्रणाम किया और वो वापस घर की ओर लौट गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको बताती है कि कर्म अच्छा करिए, लेकिन हर वक्त फल की चिंता मत करिए। कर्म करिए, ऐसा करिए कि बिल्कुल आप पूरी तरह से कर्म में डूब जाए। निश्चित रूप से आपका भाग्य रूपी कर्म आपको जरूर अच्छाई के रूप में, प्रसिद्धि के रूप में, कुछ बड़े के रूप में आपको ढूंढ लेगा। और ऐसा आपने जीवन में बहुत बार देखा होगा कि कोई बच्चा, कोई इंसान बहुत छोटी जगह से निकलकर अचानक से बहुत प्रसिद्ध हो गया, या उसके अंदर कोई ऐसी कला थी जिसकी वजह से वो अचानक से बहुत छोटी जगह से भी निकलकर बहुत प्रसिद्ध हो गया। वो सब कुछ उसके कर्मों का ही फल था। उसने कोई कर्म ऐसा अपने आप को योग्य बनाने में लगाया था कि उसके कर्म में उसको अगले जन्म में भी ढूंढते ढूंढते उसे हर परिस्थिति में भी ढूंढकर विशेष बना दिया।
तो विशेष बनने पे ध्यान दें। निश्चित रूप से आपके अच्छे कर्म यदि विशेष बनने पे लगेंगे तो आप अपने जीवन में सफलता, उन्नति, तरक्की सब कुछ हासिल कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए